अनिल जी प्लीज। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि जो वोटिंग है वो जो अभी हमें भेजा गया है पूरा स्टेट सीईओ की तरफ से इलेक्शन कमीशन से वो 64.6 है। पर इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम हॉट सीट मानते थे वहां पे पोलिंग ज्यादा हुई है वनस्पत उन सीटों पे जहां पे हम मानते थे कि बीजेपी सेफ एंड सिक्योर है। जैसे बाड़मेर का एग्जाम्पल देता हूं जहां ट्रायंगुलर फाइट है वहां पे पोलिंग परसेंटेज पिछली बार से ज्यादा है, कुछ परसेंटेज ज्यादा है पर ज्यादा है। ऐसे ही बांसवाड़ा है जहां पे मुझे लगता है क्योंकि मैं फिगर अभी पूरे देख नहीं पाया हूं, हाँ मैं अभी आपको देख के बता देता हूं, जैसे बांसवाड़ा है अब के 72.24 हुआ है, पिछली बार 72.9 था, ऑलमोस्ट इक्वल। मैंने आपसे बाड़मेर बोला अब के 73.68 हुआ है, पिछली बार 73.3 हुआ था। तो मेरा मानना ये जो हॉट सीट थी वहां पे पोलिंग ज्यादा हुई है, मतलब ये है जो मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पा रहा हूं, औरों का हो सकता है मत डिफरेंट हो, पर वो ये है कि दोनों पार्टियों ने वहां जोर लगाया ये डर ये मान के कि हम ये सीट निकाल सकते हैं, इसलिए वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। बाकी जगहों पे अगर आप देखें तो वोटिंग परसेंटेज एक तरह से कम दिखेगी आपको, टोंक सवाई माधोपुर इट इज ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट ना 8% का ड्रॉप है, अजमेर में ड्रॉप है करीब करीब 8% का, पाली में ड्रॉप है करीब 7% का, जोधपुर में ड्रॉप है करीब 5% का, जालौर में ड्रॉप है करीब 3.5% का, उदयपुर में ड्रॉप है करीब 6% का, बांसवाड़ा इज ऑलमोस्ट इक्वल, चित्तौड़गढ़ में ड्रॉप है करीब 5% का, राजसमंद में ड्रॉप है करीब 6% का, भीलवाड़ा में ड्रॉप है करीब 5% का, कोटा इज ऑलमोस्ट इक्वल 70.82 दिस ईयर और 70.22 2019, झालावाड़ 12 68.72 एंड 71.96। तो आप देखें हर जगह ड्रॉप है एक्सेप्ट फॉर एरियाज जहां पर आप मानते हो कि यहां पे फाइट अच्छी थी। तो ये दर्शाता है कि दोनों आपस में दोनों पार्टियों ने इंडिया अलायंस एंड बीजेपी ने कुछ ऐसा करा कि हम दोनों जोर लगाएंगे वोटिंग को बढ़ाने के लिए। और बाड़मेर का तो रीजन भी था क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगुलर फाइट थी, रविंद्र सिंह भाटी इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी के दो कैंडिडेट थे उम्मीदवार बेनीवाल और कैलाश चौधरी, तो यहाँ स्वाभाविक था मैं मानता हूँ यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी और वो बढ़ी। तो मेरा मानना ये आशुतोष जी की ट्रेंड अगर आप ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज देखें राजस्थान की वो भी इलेक्शन कमीशन ने दिए फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज मिला के दिस इज 61.60 विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 5-6% लेस देन 2019। तो मैं इसको कंपेयर एक से और करना चाहूंगा जो लोग नॉर्मली करते नहीं है, लोग ये बोलते हैं विधानसभा को यू कैन नॉट कंपेयर विद लोकसभा, विधानसभा में वोटर ज्यादा निकलता है बाहर, पर विधानसभा में हमने ऑलमोस्ट 75% टच कर लिया था, ऑलमोस्ट इट वॉज 74 और मेरे को जो याद है 74 के आसपास फिगर था, उससे बहुत सब्सटेंशियल ड्रॉप है। क्या लैक ऑफ एंथुसियाज्म है जो आपने कहा लोगों में, क्या लोगों में डिसइंटरेस्ट है, क्या लोग आना नहीं चाहते हैं, क्या लोगों को पुश करा गया है आप वोट डालने जाइए, वो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बाकी हर जगह वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरी राजस्थान में। फर्स्ट फेज वॉज वेरी पुअर, मतलब वो तो पुअर था, 58% के करीब हमने क्लोज करा था, ये वाला हम क्लोज कर रहे हैं, तो डिसइंटरेस्ट लगता है लोगों में, कोई एंथुसियाज्म नहीं दिखता लोगों में कि वो वोट डाल लेते। तो मेरा मानना ये जी इसका इम्पैक्ट जो है देखिए वो तो बाद में पता लगेगा, पर मुझे लगता है जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो एरियाज है पर्टिकुलरली जहां बड़ी क्लोज फाइट है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।